ताजगी से भरी हुई सुबह में सभी का स्वागत है। ये है हमारा दूसरा दिन आज और अभी हम हैं अपने होटल रूम की छत पर। तो छत से नज़ारा कुछ इस तरीके से है पूरा। चलिए मैं आपको अपने होटल रूम से बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, क्या रौनक है इस जगह की, क्योंकि रात को तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था। मेरा हमेशा से मन था इस जगह रुकने का, क्योंकि जब भी मैं इस रास्ते से गुजर के जाता था तो मुझे ये वाली लोकेशन बहुत अच्छी लगती थी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, क्योंकि इतनी सारी पेड़ और इतनी हरियाली है इस वाली लोकेशन पर। बहुत सारे पेड़ हैं, मैं आपको पूरा ऑल ओवर व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। तो कल की रात हमने छत पर ही गुजारी, जो कि बहुत शांत और सुकून भरी थी और ठंडा तो काफ़ी लग रहा था। तो पहले तो कुछ भी हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि ठंडा लगेगा, तो मैं स्लीपिंग बैग के ऊपर ही सो गया। मुझे ऐसा ज़रूरत फील नहीं हुई कि रात को ठंडा लगेगा तो मुझे स्लीपिंग बैग के अंदर होना चाहिए। लेकिन रात को जब 2-2.5 बजे, तो उसके बाद फिर मतलब एकदम चिल्ड हो चुका था, तो उसके अंदर जाना अनिवार्य हो गया था। बस ऐसे ही करते हुए रात गुजर जाती है, सुबह होता है। सुबह देखते हैं तो ये खूबसूरत नज़ारे आपके सामने हैं। अब एक शॉट्स लेते हैं परिंदे का, अभी यहाँ से ऊपर से व्यू देखें कि ऊपर से कैसा दिखता है। एंजॉय करिए खूबसूरत नज़ारों को। तो बस आप चलते हैं भोलेनाथ की तलाश में, ढूंढते हैं किसी मंदिर को जहाँ पे भोलेनाथ विराजे हों, और हम निकल पड़ते हैं जल चढ़ाने के लिए। क्या मौसम हो रहा है भाई। अब दिखाई दिया सूरज। ताजगी से भरी सुबह में आपका स्वागत है। नमस्ते। अभी हम हैं अपने होटल रूम की छत पर, जो कि रानीखेत से करीब 17 से 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। सनसेट पॉइंट इस होटल का नाम है। आज का हमारा प्लान है कोटेश्वर महादेव तक, कोटेश्वर महादेव रुद्रप्रयाग में, जो कि यहाँ से 176 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। फिलहाल मैं पैकिंग करता हूँ और उसके बाद फिर निकलेंगे। अब यहाँ पर दीपक जी अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान लेकर के आए थे ब्रेकफास्ट के लिए, जैसे कि परमल, सत्तू और खीरे, बहुत सारी चीज़ें जिससे हमारा
आज का नाश्ता आराम से होने वाला था। अब आता है वो समय जिसमें मुझे सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है, वो है बाइक पर सामान लोड करना। तो यहाँ से होती है हमारी आज की राइड शुरू। हमें निकलते हुए लगभग 10 बज जाते हैं, निकलते निकलते पैकिंग करते करते और फाइनली हम अपने ट्रैक पर आ जाते हैं। तो आज की जो हमारी राइड होने वाली है वो होने वाली है कर्णप्रयाग से आगे नंदप्रयाग तक। तो राइड करते हुए हम पहुंच जाते हैं बड़ी ही खूबसूरत सी जगह पर जो कि आपके सामने है। यहाँ के लैंडस्केप, पहाड़ बड़े ही सुंदर थे, तो मन किया क्यों ना एक परिंदे का शॉट्स लिया जाए यहाँ से। और हमारे राइडर्स को थोड़ा सा नींद भी आ रही थी तो मैंने कहा चलो आप लोग आराम करिए, हम तब तक परिंदे के शॉट्स लेते हैं। एंजॉय। की जंगल है, अमेज़न का जंगल हो रखा है। 5:50 हो चुके हैं और हमारा रूट थोड़ा चेंज हो गया है। हम जाने वाले थे कोटेश्वर महादेव, हम सोच रहे हैं पहले इसके लिए टारगेट किया है उस मंजिल तक पहुंचते हैं यानी कि हेमकुंड साहिब। बजने वाला है हमें अभी यहाँ से कर्णप्रयाग लगभग 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हो रहे हैं। पहले हम कर्णप्रयाग पहुँचते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कर्णप्रयाग पर रुकना है या फिर आगे बढ़ना है।
पानी काफी है इस वक्त नदी में, इतना होता नहीं है, पूरा शानदार व्यू घूम रही है। फाइनली 6-7 घंटे की राइड के बाद हम पहुंच जाते हैं कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग पर पहुंचने के बाद हमें क्या मिलता है देखने को? मौसम यहाँ पे बेहाल था, कातिलाना था। और बहुत ही सुहावना था, बादल ऐसे गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी और हवा सर किए जा रही थी। बहुत मजेदार एक्सपीरियंस था ये वाला। आगे देखो होता है क्या। चलो देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। क्या खतरनाक हो रहा है। बारिश हो रही है ऊपर, वहीं बद्रीनाथ साइड में हो रही होगी। 7:20 टाइम हो चुका है और अभी हम हैं बद्रीनाथ वाले हाईवे पर। अंकित जी बाइक चला रहे हैं, मैं पीछे बैठा हूँ, बाकी के दो यात्री हमारे पीछे हैं और मौसम ऐसा हो रहा है खतरनाक। नंदप्रयाग तक हम पहुँच चुके हैं। कुछ नहीं, कातिलाना हो रहा है मौसम और कुछ है। अबे रेनकोट पहन लेते भाई, क्या बादल हो रहे हैं। अगर ज्यादा वो लग रहा है तो रुक जाओ। चल वो थोड़ा आगे तो एक घंटा देख लेते। हाँ अगर मुझे लगता नहीं है एक घंटे ज्यादा हम चला पाएंगे, मौसम खराब हो जाएगा। चल पहन लेते हैं, क्या पता रेनकोट पहन के थोड़ा और आगे चले जाएं। तो बस आज का दिन हमारा यहीं पे खत्म होता है। हम मुश्किल से एक घंटा ही ड्राइव कर पाए होंगे, उसके बाद काफी हैवी रेन स्टार्ट हो चुकी थी जिसके कारण हमें आगे ड्राइव करना पॉसिबल नहीं था। और फाइनली हमने एक रूम बुक किया और रात को सब आराम से सो गए। रूम बुक करते करते हमें काफी लेट हो गया था और उसके बाद हमें खाना भी खाना था, तो काफ़ी लेट हम रात को सोए। अब मिलेंगे अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग। बाय बाय, गुड नाइट।